नमस्कार बैंक न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है AIKS के अम्बा राम जी हैं। ये आज कुतुबपुरा गांव में धरने को संबोधित करने पहुंचे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। लेकिन अफसोस है कि आज तक भी कोई भी प्रशासनिक अमले ने, सरकार ने इन जनता की समस्याओं को सुनने का काम नहीं किया। निश्चित रूप से हमारा यही अखिल भारतीय किसान सभा का मत है कि निश्चित रूप से इस समस्या का संपूर्ण रूप से निदान हो। नहीं निदान होगा तो कोई भी अगला कदम उठाएंगे उसके लिए जिम्मेदार राजस्थान की सरकार और झुंझुनू जिले का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यहाँ के लोग नहीं होंगे। मैं समझता हूँ 110 दिन कम नहीं होते और शांतिपूर्वक आंदोलन करने के बाद में भी उनकी समस्याओं का समाधान आज तक भी प्रशासन और सरकार ने कोई इसका निर्णय नहीं किया है। और आज जिस तरह से लोगों की आवाज को दबाने के लिए भारी फोर्स लगाकर लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ इसको किसी भी सूरत में मैं यहाँ का किसान और अखिल भारतीय किसान सभा किसी भी रूप में इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी यहाँ की जो संचालन समिति जो भी निर्णय करेगी, निश्चित रूप से जब तक इसका संपूर्ण समाधान नहीं होता, अखिल भारतीय किसान सभा इनके साथ है। और न केवल ये सरकार और झुंझुनू का जिला प्रशासन ये समझे कि केवल ये दो तीन गांव का एक पंचायत का मसला है, बल्कि जिस तरह से हेतरी के माध्यम से जो प्रदूषण हो रहा है, जिस तरह से लोगों को दुर्गंध से और जीवन से खिलवाड़ कर रहा है, किसी एक आदमी के फायदे के लिए हजारों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूँ जिस तरह से महिलाएं आ रही है, कोई समस्या नहीं होती तो मैं समझता हूँ महिलाएं मैदान में नहीं आती है। इसलिए निश्चित रूप से प्रशासन से सरकार से हमारा निवेदन है कि तुरंत इसका समाधान करे, अन्यथा जो भी कोई कार्रवाई होगी। समस्या का समाधान नहीं कर पाती है तो आप क्या सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आंदोलन करेंगे। 110 सरकार और प्रशासन ये चाहता है कि ये थाक करके 110 दिन में कोई भी समाधान नहीं करने का मतलब है कि सरकार और प्रशासन का एक ही मकसद है कि लोग थाक करके अपने घर चले जाएंगे। मैं समझता हूँ ये अकेला न समझे, ये पूरे राजस्थान की जिस तरह से प्रदूषण एक व्यक्ति के फायदे के लिए हजारों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे, इस बात को हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बाकी समस्याओं को लेकर के पूरे राजस्थान में भी करने का काम। तो यहाँ राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है, तो आप कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सेंटर में हम देख रहे हैं कि आप कांग्रेस के साथ में हाथ में हाथ डाले उसको आगे बढ़ा रहे हैं, गठबंधन की तैयारी की जा रही है, तो इस संबंध को, इस रिलेशन को किस तरीके से देखा जाए आपकी नजरों के हिसाब से? कांग्रेस के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इस देश में किसान और नौजवान को बर्बाद करने के लिए प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसके लिए समान दोषी है। आज जो इस देश का और प्रदेश का किसान कर्जे में दबकर अपना भाव नहीं मिल रहा है, जिसके लिए त्रस्त है नौजवान को रोजगार नहीं, और बार बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने वायदे करके वायदा खिलाफी करने का काम किया और जनता बेहाल है और बड़ी बड़ी कंपनियां मालामाल। आप यही देखेंगे कि हेतरी का मालिक मालामाल है और यहाँ की जनता परेशान है। ये बात ठीक है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप कांग्रेस के सरकार के खिलाफ तो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे केंद्र में देख रहे हैं वहाँ पर आप एक मंच पे शामिल होते हैं, कांग्रेस के साथ भी शामिल होते हैं वहाँ पर भी। और दूसरा एक मेरा सवाल ये है कि जब जन आंदोलन उठता है उसके आप खिलाफ जब आवाज उठाते हैं कि हम किसानों के साथ में है, नौजवानों के साथ में है, आम आदमी के साथ में है, लेकिन हम जब नंदीग्राम की घटना को देखते हैं, अगर पश्चिम बंगाल में चले जाएं तो उस वहां पर जब किसान अपनी भूमि को के लिए आंदोलन कर रहे थे उस समय वहां शायद आपकी ही सरकार थी और उस आंदोलन को बुरी तरीके से कुचला गया था, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? फिर ऐसा है कि न तो कांग्रेस के साथ हमारा कोई गठबंधन है, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ भी लड़े हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के। राजस्थान का आप प्रपेक्ष देखेंगे, देश का प्रपेक्ष देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को भी जो नरेंद्र मोदी की सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 3 रुपए लेके आई उसके खिलाफ भी पूरे देश में आंदोलन करके वापस के लिए हजारों लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो सबसे खतरनाक है। और वो केवल कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हो आप, रावड़ा गढ़साना नहीं देखते जहाँ 8 लोगों की हत्याएं हुई हैं, जब भारतीय जनता पार्टी ने मंदसौर में जो किसान अपना भाव मांग रहा था 6 लोगों को गोली के शिकार बनाया गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस ने जो राजनीति की उसमें किसानों को कुचला गया, दबाया गया है, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक जो आप लीक से हट करके जो राजनीति करने की बात हो रही है उस पर मैं सवाल उठा रहा हूँ कि जो नंदीग्राम में जिस तरीके से जमीन अधिग्रहण, मैंने कहा ना
नंदीग्राम में एक बिस्वा जमीन आप तो मुझे वो नोटिस दिखा दीजिए जिसमें चार नंबर का नोटिस होता है, नोटिस नहीं हुआ और उसके बाद में अगर जनता के जन कल्याणकारी कार्यों को छह महीने तक कोई ठप करेगा तो सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहे। कहा जाए कि वहाँ जो पुलिस प्रशासन ने जैसे जिस तरीके का अत्याचार किया वो आप बताइए, नंदीग्राम के इलाके को पूरे जो लोग थे पूरी तहसील और जिले के लोगों को मरने दे, केवल कुछ लोग अपने राजनीति चमकाने के लिए लेफ्ट की वामपंथी सरकार को बदनाम करने के लिए छह महीने तक का इंतजार कम नहीं होता। जब एक इंच जमीन नहीं दी गई प्रशासन की तरफ से जो घटना हुई थी, बच्चों को बलात्कार और उसे जिंदा जलाया गया जो 13 साल की थी, ना ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन किसने प्रशासन ने किया? कोई नहीं, आपकी छुट्टी है, चलो ठीक है, इसको डिनाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरा मेरा ये सवाल है कि अगर सरकार इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करती है तो इसको किस तरीके से, निश्चित रूप से कुचल सकती नहीं। मैं समझता हूँ एक व्यक्ति के फायदे के लिए हजारों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, और अगर इस तरह से करती है तो मैं समझता हूँ राजस्थान में शांति नहीं होगी। अगर सरकार शांतिपूर्वक इसको सुलटाना चाहती है लेकिन दमन किसी भी तरह से करेगी तो राजस्थान का किसान और विशेष तौर से शेखावाटी और झुंझुनू का किसान किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसी सरकारों को समुद्र में डुबोने का काम करेगा। ये थे हमारे साथ किसान नेता अमरा राम जी, जिन्होंने कहा है कि हम आंदोलन